नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडियो पे नहीं आया हूं, आज शूटिंग नहीं हो रही है, किसी कारणवश से आज शूटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोगों के काम में ही मैं लगा हुआ हूं। जो बहुत सारी चीजें हैं उसका मैं सबूत उनको सर को दे रहा था, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करने में मेरे को टाइम लग गया है, इसलिए आज रात को शूटिंग नहीं हो पाएगी, तो मैं लेट हो गया शूटिंग के लिए। क्योंकि जो लड़के प्रैक्टिकल में पास है, बाकी सब्जेक्ट में फेल है, उसका सबूत मैं दे रहा हूँ उनको, तो थोड़ा सा भी लग रहा है, होप है अभी कि शायद सर मान जाए इस चीज को लेकर के, और बाकी स्टेट वाले मान जाए, तो उसके चक्कर में मैं लगा हुआ हूं। और जितनी बार आपकी शिकायत है वो सारी चीजें मैंने कल मेल किया था, तो उस पर बात किया था मैंने, तो बहुत सारी चीजें जो है तो बात हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों से बता दूं कि आज मैं एक बहुत बड़ी न्यूज के लिए, डीजीटी ने बोला कि ये न्यूज आप चलाइए अपने शो पे, तो उसके लिए मैं आ गया, तो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि ये है DGT.gov.in ऐप मेला अप्रैल 2022, ये आपने देखा, तो इस वेबसाइट को देखिए आप लोग और खोलिए। तो अप्रेंटिसशिप मेला जो है तो 21 अप्रैल से लगा हुआ है, तो यहां आप जाएंगे तो कैंडिडेट स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आप ये देख लीजिए, यहां आप अपना नाम, फादर का नाम, जो भी क्वालिफिकेशन है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, ये सारी चीजें आप यहाँ पे भरें। इसके बाद जो है तो आप लोग ये देखें, आपको ये जो चीजें हैं भरनी है, तो इस साइट को खोल करके आप कुल मिला करके देखेंगे, ये देखिए ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ठीक है। इसके बाद आप लोग ये देखिए कि आपको कहाँ कहाँ अप्रेंटिसशिप मेला लगा हुआ है, लोकेशन में ये देखिए, तो जो भैया मध्य प्रदेश वाले हो तो मध्य प्रदेश में क्लिक कर लेना, तो मध्य प्रदेश में क्लिक करोगे आप तो ये देखो मध्य प्रदेश की एक लिस्ट खुल जाएगी और आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक से लेकर के लगभग आपके चले जाइए आप 52, लास्ट में विदिशा है, तो विदिशा को भी देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि लोकेशन कहाँ है कहाँ नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी ठीक है। तो ये लोकेशन भी बता रहे हैं, तो ये चीजें बतानी थी हमको आपको, तो ये देख लीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि अपन चलते हैं देखते हैं, अगर भोपाल देख लेते हैं कि भोपाल में कहाँ पे है, वैसे करके हर जगह का बता रहा हूँ, ये साइट के बारे में बताना था। ये देखिए ठीक है, तो ये भोपाल का है, तो यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। 21 तारीख के पहले आप जब इस पे सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। ऐसे मध्य प्रदेश के अलावा जो है तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो है तो ये जो है तो बहुत सारी साइटें जो है तो बिल्कुल खुल जाएंगी। आपके कितने जगह पे हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जगह पे हो रही है, बनारस पे ये देखिए लास्ट में, तो ये बनारस पे कहाँ हो रही है, ये सारे डेटा गवर्नमेंट आईटीआई ये यहाँ पे हो रही है, लोकेशन आप लोग ये देख लीजिए ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट आईटीआई में हो रही है, तो ये ऐसे इसका हो गया। अब जो इसके अलावा जो लोग हैं तो वो भी देखेंगे कि कहाँ पे हो रही है, तो ये आप लोकेशन देखने के बाद थोड़ी सी अभी साइट बन रही है। देखिए यहाँ पे यूजर पासवर्ड आप डाल सकते हो, ये मेला के लिए आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जा करके क्या होती है, ये सारी चीजें हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान वाले हैं, तो राजस्थान वाले अपने उस पर क्लिक करेंगे तो वो मिल जाएगा ठीक है। ये लगभग आपका जो है तो 33 जगह पे है राइट, तो हमको ये बोला गया है कि साइट के बारे में बताइए। ये बिहार वाले हैं, तो ये बिहार के लोग जो है तो बिहार वाले में करेंगे, तो बिहार का ये देखिए लगभग आपके 38 जगह पे है। ऐसे ही अगर आप इस साइट को देखते चले जाएं कि महाराष्ट्र में कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में आप अपने अपने स्टेट में अगर क्लिक करेंगे ना तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, 38 जगह पे है ठीक है। इसके बाद आप वेस्ट बंगाल में देख लेते हैं, तो वेस्ट बंगाल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बना हुआ है जो आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें हैं। तो ये गवर्नमेंट आईटीआई में, हर गवर्नमेंट आईटीआई में ये अप्रेंटिसशिप मेला ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ जहां जहां आप क्लिक करेंगे ना तो वहां की लिस्ट मिल जाएगी आपको और आप वहां कर सकते हो, और यहाँ से आप कैंडिडेट जो है तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं, और वेबसाइट का नाम ये है, तो ये इन्होंने बनाया हुआ है, अभी बनाया है इसको, और ये स्टूडेंट के पहल के लिए बहुत अच्छी चीज इन्होंने किया डीजीटी ने, अप्रेंटिसशिप मेला। चूंकि देखिए जॉब भी बहुत जरूरी है, अगर जॉब नहीं होगी तो उसके लिए, अच्छा एक चीज और चल रही है,
कि 2-3 साल से आईटीआई में जो एडमिशन है ना वो अचानक गिर गया है, अचानक गिर गया। तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है कि ये अप्रेंटिसशिप मेला चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले और ज्यादा से ज्यादा स्किल हो। तो उसके लिए मेरे को बोला गया, तो मैं जो है तो ये वीडियो बना करके आप लोगों को दे रहा हूं। तो जो लड़के पास हो गए हो और जो लड़के पास नहीं भी हो तो उनको भी ये सारी चीजें देखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने लॉग इन कोऑर्डिनेटर के लिए बनाया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और एक इन्होंने इस पे जो है तो सबमिट ग्रीवेंसेस के लिए भी डाल दिया है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो आप उसको जो है तो ग्रीवेंसेस भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत टॉप की बनी हुई है। आप लोग प्लीज इस वेबसाइट को देखें और लोगों को, दूसरे लोगों को भी बताएं। ये digit.gov.in है और ऐप मेला अप्रैल 22। तो ये डीजी का जो पहल है तो बहुत बड़ी पहल है और मेरे समझ से लगता है कि अब धीरे धीरे आप लोग देखिए कि बहुत सारे जो आईटीआई के प्रोग्राम है वो चलने लगे हैं और डीजीटी अपना काम भी बहुत अच्छे से करने लगी है। और आप लोग देख लीजिए कि ये अप्रेंटिसशिप मेला के लिए है, तो हर जगह पे जाकर के देखें। गुजरात वाले हैं तो गुजरात में भी जाकर के वहां क्लिक कर लें। तो देखिए हमारा काम, न्यूज का जो काम है आपको अवेयरनेस करना और गवर्नमेंट की जो सारी चीजें हैं तो आपको बताने का है। तो मैं आपको ये चीजें बता दे रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिए, हर जगह पे है। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु से बहुत सारे आज हमको फोन आए थे तो उनको भी मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए लगभग आपके जगह पे जो है तो 38 जगह पे है। तो आप लोग इसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उड़ीसा में भी, उड़ीसा से भी बहुत सारे फोन करते हैं तो उड़ीसा के लिए भी है। 30 जगह के लगभग 30 जगह जो आईटीआई है वो है। झारखंड वाले भी देख सकते हैं लड़के। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो हर चीज मिल जाएगी, आपको हर चीज मिल जाएगी। और वहां जाकर के आप यूजर पासवर्ड अपना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, है ना। जैसे ये असम का, झारखंड का, बिहार का है, ये छत्तीसगढ़ वाले भी जुड़ गए हैं मेरे से। तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी बता दे रहा हूँ कि करीबन 28 जगह पे है। तो सरकार ने क्या है कि हर स्टेट में लगभग हर स्टेट में ये जो मेला है तो उसको कर रही है। तो आप लोग इस मेले पे जाइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए और अप्रेंटिसशिप के लिए मिलिए। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बहुत सारी जॉबें मिलती हैं आप लोगों को और जॉब के लिए आप परेशान हो जाते हो तो अभी हमको बोला गया है कि आप अब एक चीज और बनाइए इंटरव्यू देने के लिए। हालांकि आप लोगों के बीच में मैं परेशान था तो अब इंटरव्यू के लिए भी, आपके अवेयरनेस के लिए भी बनेगा, कोशिश होगी जल्दी से जल्दी बने और इंटरव्यू के लिए आए कि आप इंटरव्यू में कैसे तैयारी करें, क्या क्या चीजें आपको बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ तो थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। और आप लोग परेशान ना हो, देखिए डीजी का जो आज भी न्यूज आई थी तो मैंने बोला था कि सर एक लड़का बोल रहा था कि 2017 का जो रिजल्ट है सर मार्कशीट है अभी तक नहीं आई है, 3-4 साल हम लोग हो गए। तो आज मैंने डीजी साहब को आप लोगों का ही मैसेज दिखा दिया तो वो बहुत ज्यादा जो है तो नाराज हो गए हैं और उन्होंने जय प्रकाशन जी को और विद्यानंद जी को तुरंत बोला कि ये प्रॉब्लम आप लोग किसी भी हालत में अप्रैल तक में सारी चीजें निपटाइए और सारी प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व करिए। क्योंकि काम तो डीजीटी बढ़िया कर रही है लेकिन एनसीबीटी एमआईएस पे जो चीजें चल रही है, वेबसाइट पे चल रही है विप्रो की, तो वो सही चीजें नहीं चल रही है जिसके कारण लड़कों को जो है तो बहुत दिक्कत हो रही है। किसी की मार्कशीट ब्लैंक निकल रही है, किसी की नहीं निकल रही है, किसी की फोटो आ रही है, किसी को सही जानकारी जो है तो एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे मिल नहीं रही है। तो लड़के सर ये अप्रेंटिस सिर्फ मेला लग जाने से ही कुछ नहीं होता है, इनके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जो लड़के पास हैं तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए है, पर जो लड़के सर फेल हैं तो उनके लिए भी करना पड़ेगा। और अभी थोड़ा सा होप बनाए रहिए, बहुत जल्दी इसीलिए जो है तो पूरा पे डेट नहीं आ रही थी और देखिए अगर कुछ होता है तो हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं टाइम भी दे रहा हूँ सोचने समझने का। तो अब बार बार उसी मुद्दे पर अगर वीडियो बनता है तो डीजीटी को भी दिक्कत होती है, तो मैंने उनको स्पेस दिया है कि भाई आप लोग सोच लीजिए, देख लीजिए, जो निर्णय हो तो वो निर्णय करिए। और मैं अब बता दूं आपको कि आज मैंने इसलिए नहीं किया कि करीबन मैंने आज बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो बड़े स्टेट है ना, उड़ीसा, महाराष्ट्र तो समर्थन दे दिया है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात और
ये सब जगह मैंने उनके डायरेक्टरों को मैंने मेल किया और सपोर्ट किया। जम्मू कश्मीर में मैंने किया, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह मैंने निकाल करके सबको पर्सनली मैंने मेल किया और कहा कि सर आप लोग आवाज उठाइए और एक आवाज ये उठनी चाहिए कि जो लड़के प्रैक्टिकल भर में पास है, बाकी सब्जेक्टों में फेल है, उन सब लड़कों को कोरोना के लिए कोरोना बेनिफिट दे दिया जाए एक बार, फिर अगली बार ना दिया जाए। अगली बार देंगे भी नहीं वो, खैर ये तो कोरोना के महामारी के चक्कर में दिए दे रहे हैं, बाकी जगह नहीं देंगे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 20 तक में वोटिंग अच्छी चली जाए और ये अच्छा हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट भी एक दबाव डाले और वो बोले, क्योंकि हर जगह के जो लड़के हैं, तो मैंने जैसे पंजाब के लड़के थे तो पंजाब को बोला कि सर आप देखिए आपके लड़कों का कितना मेरे पास व्हाट्सएप आया है। राजस्थान को मैंने बोला है, उत्तर प्रदेश को बोला, मध्य प्रदेश को, गुजरात के लड़कों को मैंने बोला, महाराष्ट्र के बोला, आंध्रा को मैंने बोला, कर्नाटका को, उड़ीसा को और झारखंड को, यहाँ मैंने बोला और जम्मू कश्मीर में सबको मैंने पर्सनली बोला और पर्सनली मेल किया और बड़ा भावपूर्वक मैंने आप लोगों को जो मैसेज थे, कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग भेजे थे, कुछ लोग फोटो भेजे थे, वीडियो भेजे थे, वो सब मैंने उनको भेजा। चूंकि आप लोगों की रिकॉर्डिंग और फोटो मैं शो पे नहीं दिखाता हूँ जानबूझ करके, उसको सबूत के रूप में मैं डीजीटी को भेजता हूँ। और देखिए क्या होता है कि भाई साहब, वीडियो बना देने से और आवाज उठाने से कोई कार्यक्रम नहीं होता है। उसके पीछे कि हम ये क्यों मांग रहे हैं, हमसे पूछा जाता है कि आप बताइए आप ये मांग रहे हैं, जैसे ईडी में मेरे से पूछा गया कि आप बताइए ईडी में क्यों दें, तो तब मैंने बताया कि अगर थ्योरी में लड़का नहीं पढ़ सकता है, नहीं जा सकता है आईटीआई, तो ईडी और प्रैक्टिकल में कैसे जा सकता है, आईटीआई जब खुली तो लॉजिक देना पड़ता है। अब ये लॉजिक आ गया यार प्रैक्टिकल में पास है, तो अब इसमें बहुत सारी लॉजिक काम नहीं लग रही जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक मैंने काम किया है कि सर आईटीआई प्रैक्टिकल बेस है और प्रैक्टिकल बेस होने के नाते आईटीआई के लड़का अगर प्रैक्टिकल में पास है, बाकी सब्जेक्ट में फेल भी है, तो उसको पास कर देना चाहिए। चूंकि अब बहुत टाइम हो गया है, लड़के अब नहीं झेल पा रहे हैं, मानसिक दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरी बात, जो 2014 से लेकर के 2021 तक लड़के बचे हुए हैं, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। बहुत सारे लड़के 3 साल से किसी का सर्टिफिकेट नहीं आया है, किसी का एग्जाम नहीं हुआ है, किसी का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, किसी को कुछ पता भी नहीं है, किसी का सप्लीमेंट्री का कुछ पता नहीं है। कभी कोई लड़का पास हो जाता है, कभी कोई लड़का फेल हो जाता है, कभी नंबर बढ़ जाते हैं, कभी नंबर घट जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे जो है ना, तो सबूत देना पड़ता है। जो आप मेरे को व्हाट्सएप करते हो ना, उसको मैं सबूत बनाता हूँ आपका नंबर हटा करके कि सर ये देखिए, ये लड़के को ये मांग है, ये लड़के की ये मांग है, ये लड़के की ये मांग है। आप लोगों ने आज थैंक यू बोलना चाहूंगा कि व्हाट्सएप उसमें बहुत ज्यादा मेरे को आज कमेंट किए, तो हर का कमेंट उठा करके मैं मेल करता रहा। और आज मैं बता दूं आपको कि 9-10 बजे तक करीबन मैं 10 बजे रात तक लास्ट मेल किया हूं और मैं थक गया हूं, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और अचानक जो है तो डीजीटी के तरफ से न्यूज आई कि आप लोग जो है तो आप इसके बारे में अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में बताइए जो 21 अप्रैल को होने वाली है, तो आप इस पे न्यूज बना दीजिए। हालांकि मैं थक गया था लेकिन ये न्यूज बनाया और आप लोगों के लिए, तो आप लोग घबराइए नहीं। अगर मेरे भाई देखे क्या है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, परीक्षा देना पड़ेगी, तो ये तो देना पड़ता है आपको, ये तो देना ही पड़ता ना, फेल हो गए थे तो देना पड़ता। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत मत हारिए। और मैं बोल रहा हूं कि ऐसे हाथ पे हाथ रखे मत बैठिए आप लोग, प्लीज बात मानते हो एज ए ब्रदर, तो अपनी तैयारी भी करिए। अगर तैयारी किए रहोगे तो आप जहां इंटरव्यू देने जाओगे उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे और कहीं कैंपस होगा तो। देखिए पढ़ाई कभी वो नहीं होती है, अपने तरफ से तैयारी रखिए। और आप लोग SCVT वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे मुद्दा नहीं उठाया, देखिए आज मैंने सब स्टेट को आपके बारे में लिखा है कि अगर NCVT को मिल रहा है तो SCVT को भी मिलना चाहिए। और कुछ भाई बोल रहे हैं कि मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रही, आज विप्रो को फिर मैंने बताया और आज फिर वो किया हूं, तो वो सुधार रहे हैं। मैं जानता हूं, देखो मैं टेक्निकल चीजें जानता हूं, मैं टेक्निकल वाला आदमी हूं तो जानता हूं क्या क्या परेशानी आती है। अब आपको कुछ भी आप लोग बोलते रहते हो उसका कोई सेंस नहीं रहता है। एक राकेश कुमार करके लड़का था, वो बहुत गंदा मैसेज किया था, अब उसको मैं क्या समझाऊं कि उसकी बेवकूफी पे कहूं या उसकी नादानी पे कहूं, कि हमको एक ही चीज बता दो
ये 3-4 महीने से आईटीआई टास्क शो आया है, तब से डीजीटी का काम करने का तरीका देख लो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कारण कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही है। अगर आईटीआई टास्क शो वहां तक आवाज पहुंच रही है तो क्या हो रहा है कि हर काम जल्दी जल्दी हो रहा था। अभी 5 साल से ये यूट्यूबर बैठे थे, तो कौन सा एक काम बता दीजिए कि आपके यूट्यूबरों ने या किसी ने एक काम करवा दिया हो, या आईटीआई वालों ने एक काम आप लोगों को करवा दिया हो। आप खुद जस्टिक करिए, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। और आप देख लीजिए कि मैं दिसंबर से लेकर के अभी अप्रैल तक में जो आवाज उठाया तो तब से क्या काम हो रहा है। और 100% देखो सबको खुश नहीं किया जा सकता है, और ना 100% गवर्नमेंट बात मानेगी। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज मान ही ले, वो जबरदस्ती हम मांगे। अब एक चीज और आई, गवर्नमेंट ने हमसे सवाल कर दिया कि आप ये बताइए कि जो लड़के प्रैक्टिकल में फेल हैं, फिर आप हमको कहोगे कि वो प्रैक्टिकल में फेल वाले लड़कों को भी पास कर दो, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो वो हम भी नहीं मान पाएंगे ना, जो भाई फेल है तो फेल है, फिर प्रैक्टिकल सब में भी फेल हो, प्रैक्टिकल में भी फेल हो, तो कैसे मांग कर सकते हैं आप। तो एक वर्ग तो नाराज रहेगा, देखो एक वर्ग तो नाराज रहेगा हर किसी को। ये डीजी भी बोल रहे थे, आईटीआई के जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, और जो जयप्रकाशन जी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भी ये कह रहे थे कि देखो वीरेंद्र जी सबको खुश नहीं रख सकते हैं अपन, है ना, कोई ना कोई तो देखो नाराज होगा। अब ये चलो ईडी में नहीं, पहले तो कभी मिलता ही नहीं था, ग्रेस ग्रेस मिला, 5 नंबर से 9 नंबर तक आए अपन ने, और फिर ईडी में दिए। अब आप कह रहे हो कि प्रैक्टिकल में है, चलो मान भी लेते हैं, लेकिन जो लड़के फेल हैं प्रैक्टिकल में भी, या जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो उनको लिए क्या करेंगे फिर, वो भी एक दिक्कत जाएगी। तो सही बात है, टेक्निकल इशू तो हो जाता है फिर। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और बहुत जल्दी जो है तो फिर आऊंगा। आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो इसलिए स्टूडियो नहीं जा पाया, और तो यहीं से ये चीजें बनाना था तो आज तक का बना ली। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।